अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो है एक्सटर्नल सरफेस ऑफ हार्ट पार्ट टू। पार्ट वन के अंदर हमने हार्ट के इंटीरियर सरफेस की डायग्राम देखी थी। इसके अलावा हमने एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ हार्ट को स्टडी किया था, जबकि आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ डायग्राम। उसके अलावा हार्ट के अंदर जो बॉर्डर्स और इसकी जो सरफेसेस हैं वो कौन कौन सी चैम्बर से मिलकर बने होते हैं, वो तमाम का तमाम हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये है जी हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ट। अब हम उसकी डायग्राम लेबल करते हैं। सबसे पहले देखें जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ट है ना, तो ये वाला जो चैम्बर नज़र आ रहा है हमें, ये है जी लेफ्ट एट्रियम। हमने कहा था इंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट के अंदर एंटीरियर सरफेस, अगर हम हार्ट को एंटीरियर साइड से देखें तो हमें एट्रियम नज़र नहीं आता लेफ्ट वाला, ठीक है, जबकि पोस्टीरियर सरफेस से हमें लेफ्ट एट्रियम नज़र आता है। उसके अलावा ये है जी राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये जी राइट एट्रियम की पार्टीशन, ये दोनों एट्रियम, ये एट्रियम की पार्टीशन है। उसके अलावा ये सुपीरियर वेना केवा है हमारे पास, ये हमारे पास है जी इन्फीरियर वेना केवा, ये हमारे पास आ गया जी राइट वेंट्रिकल। इसके अलावा ये हमारे पास आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होता है, ये हमारे पास होता है इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है, इसको इस वजह से हम कहते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। जबकि हमने हार्ट की जो एंटीरियर सरफेस पे भी देखा था एक वेंट्रिकुलर, दोनों वेंट्रिकुलर के दरमियान ग्रूव प्रेजेंट होता है हार्ट की एंटीरियर सरफेस पे, उस ग्रूव को हम कहते हैं एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। तो मैं दिखाता हूँ अभी आपको डायग्राम, ये देखें, ये था हमारे पास हार्ट की इंटीरियर सरफेस। अभी ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के दरमियान ये जो ये अलग ग्रूव प्रेजेंट है ना, इसको हम कहते हैं एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। और ये जो हार्ट की पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, ठीक है। उसके बाद ये जी ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, इन दोनों के दरमियान प्रेजेंट है इंटर एट्रियल ग्रूव, ठीक है। तो हमने पहली वीडियो में बताया था जो इंटर एट्रियल ग्रूव होता है वो हमें पोस्टीरियर सरफेस से नज़र आता है और ज़्यादा क्लियर नहीं होता, और लेकिन नज़र हमें पोस्टीरियर सरफेस पे आता है। तो ये रहा हमारे पास इंटर एट्रियल ग्रूव। उसके बाद हमारे पास आ गया जी कोरोनरी ग्रूव, ये था ये एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव जिसको हम कहते हैं कोरोनरी ग्रूव भी कहते हैं, जिसको कोरोनरी ग्रूव, ठीक है। तो ये हमारे पास है जी राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, ये लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। उसके बाद हमारे पास ये जी ये है जी राइट लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के दरमियान हमने कहा था पल्मोनरी वेन्स ड्रेन होती हैं इसके अंदर 1, 2, 3, 4, और ये 4 होती हैं पल्मोनरी वेन 2 पेयर की शक्ल में। ये हमारे पास आ गई पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो और ये है जी पल्मोनरी ट्रंक, ये पल्मोनरी ट्रंक जो है वो कहाँ से राइज होता है, ये होता है जी राइट वेंट्रिकल से राइज होता है पल्मोनरी ट्रंक, ये है जी पल्मोनरी ट्रंक। इसके अलावा ये पल्मोनरी वेन्स हैं आर्टरी है, सॉरी लेफ्ट राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद ये आ गया हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा जो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइज होता है। तो ये आर्च ऑफ एओर्टा, और ये हमारे पास आ गई वेन आर्टरी जिसको हम कहते हैं जी ब्रेकियो सिफेलिक आर्टरी या ट्रंक कुछ भी कहते हैं आप, ठीक है। उसके बाद ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। उसके बाद और ये सबसे जो लेफ्ट पर होती है हमारे पास, ये है जी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये हमने लेबल कर ली डायग्राम कौन सी, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ट की। अब हम देखते हैं एपेक्स ऑफ हार्ट, जो हार्ट की एपेक्स है वो मेनली कौन बनाता है, उसको लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है ये डाउनवर्ड फॉरवर्ड और लेफ्टवर्ड। ये देखें डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास एपेक्स है हार्ट की, ये एपेक्स, और ये बना रहा है
राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, ये एंटीरियर व्यू से हमें नज़र सही नहीं आ रहा लेकिन ये बना रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये देखें ये हम देख ये एंटीरियर व्यू है। इसके बाद हम देखते हैं पोस्टीरियर व्यू। पोस्टीरियर व्यू के अंदर ये है एपेक्स और ये मेनली कौन फॉर्म कर रहा है, ये मेनली फॉर्म कर रहा है इसको लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गई बेस ऑफ हार्ट, बेस ऑफ हार्ट, जो बेस ऑफ हार्ट है वो हमें नजर आती है पोस्टीरियर सरफेस से, पोस्टीरियर सरफेस। और ये पोस्टीरियर सरफेस पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, लेफ्ट एट्रियम, तो बेस ऑफ हार्ट बना रही है लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। लेकिन जो लेफ्ट एट्रियम है ना वो ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व होती है बेस ऑफ हार्ट बनाने के अंदर। ये देखें इस डायग्राम के अंदर दिखाते हैं हम आपको, ये है जी बेस ऑफ हार्ट, ये है बेस, ये हार्ट की बेस है सारी, यहाँ से यहाँ तक ये है हार्ट की बेस। और कौन सी बना रही है, मेनली बना रही है जी लेफ्ट एट्रियम और उस पार्टली राइट एट्रियम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बॉर्डर्स, बॉर्डर्स ऑफ हार्ट। हार्ट को हमने बताया था कि चार बॉर्डर्स होते हैं, फोर होते हैं बॉर्डर्स। एक होता है हमारे पास अपर बॉर्डर, एक होता है हमारे पास राइट बॉर्डर, एक होता है हमारे पास लेफ्ट बॉर्डर और एक होता है जी इन्फीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर। जो हमारे पास अपर बॉर्डर होता है ना, अपर बॉर्डर, उसको वो बेस, बेस सी जो बेस होती है वही होता है अपर बॉर्डर। अब बेस को किस किस ने बनाया था, वो बनाया था लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, और मेनली किसने फॉर्म किया था लेफ्ट एट्रियम ने। इसी तरह ये देखें जो हार्ट का अपर बॉर्डर है ना, ये अपर बॉर्डर ऑफ हार्ट है, ये बना रहे जी लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। अब हमारे पास आता है जी दूसरा राइट बॉर्डर। राइट बॉर्डर जो होता है ये वर्टिकल होता है, और ये क्या कौन सा चैम्बर इसे बनाते हैं, इसे बनाते हैं जी राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। ये देखो दिस इज राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट और ये वर्टिकल है बिल्कुल, जबकि लेफ्ट बॉर्डर है वो ब्लीक है। जो राइट बॉर्डर है वो बनाता है लेफ्ट राइट एट्रियम, राइट एट्रियम बना रहे राइट बॉर्डर। उसके बाद जो लेफ्ट बॉर्डर है ना वो है ओब्लीक और इसको बना रहे हैं जी लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल, और मेनली कौन बना रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये देखें इस डायग्राम के अंदर ये जो लेफ्ट बॉर्डर है इसको बना रहा है जी लेफ्ट वेंट्रिकल मेनली, यहाँ से यहाँ तक है, और राइट लेफ्ट ऑरिकल पार्टली, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो इन्फीरियर बॉर्डर है, इन्फीरियर बॉर्डर वो है जी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, और इसको मेनली बना रहे क्या लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल मेनली और पार्टली इसको बना रहे लेफ्ट वेंट्रिकल। ये मेनली इसको क्या कौन सा चैम्बर फॉर्म कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये देखें दिस इज इन्फीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर है ये हमारे पास बना रहा है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल मेनली, और थोड़ा सा इसका पार्ट भी होता है वो जी लेफ्ट वेंट्रिकल, ये यहाँ यूँ होता है। तो ये इन्फीरियर बॉर्डर बना रहा है राइट वेंट्रिकल मेनली और लेफ्ट वेंट्रिकल पार्टली, ठीक है। ये तो हमारे पास हमने पढ़ लिया अब तक एपेक्स, बेस और उसके बॉर्डर्स। अब हमारे पास क्या चीज़ रह गई, अब हमारे पास रह गई सरफेसिस ऑफ हार्ट, सरफेस, सरफेसिस ऑफ हार्ट, ठीक है। अब हमारे पास हार्ट के हमने पढ़ा था जी तीन सरफेसेस होती हैं, कौन कौन सी होती है जी, एक होती है एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर जिसको हम कहते हैं स्टर्नोकॉस्टल सरफेस भी बोलते हैं, कॉस्टल, ठीक है। ये थी एंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट।
अब जो एंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट है ना, मेनली बनाते हैं जी ये दो चैम्बर से मिलकर बनी होती है। एक होता है हमारे पास मेनली और पार्टली, जो मेनली चैम्बर जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं एंटीरियर सरफेस को बनाने के लिए, वो हमारे पास होते हैं जी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। जबकि जो पार्टली जो जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, यानी जो मेन पार्ट कंट्रीब्यूशन किसका होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का, और जो पार्शियल वो होता है कंट्रीब्यूशन, वो हमारे पास होता है जी लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल का, और लेफ्ट वेंट्रिकल का, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल। ये देखें इस डायग्राम के अंदर जो एंटीरियर सरफेस पे नजर आ रही है हमें, वो मेनली बना राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल और पार्टली लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि हमें एंटीरियर से नजर आ रहा है, इसका मतलब एंटीरियर सरफेस ये तमाम चैम्बर्स मिलकर बना रहे हैं हार्ट की। ठीक है, ये हमारे पास थी एंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट। इसके बाद दूसरी सरफेस है हमारे पास इंफीरियर सरफेस ऑफ हार्ट, इसको हम डायफ्रामेटिक सरफेस भी बोलते हैं, क्योंकि डायफ्राम की जानिब होती है। जो इन्फीरियर सरफेस है ना, वो जो सर टू थर्ड पोर्शन है इन्फीरियर सरफेस का, वो हमारे पास बनाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसका वन थर्ड पोर्शन वो हमारे पास बनाता है राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। अब हमने पढ़ा था जो इन दोनों के दरमियान के अंदर ग्रूव होता है, एक दोनों के दरमियान होता है ग्रूव, इन बिटवीन बिटवीन होता है ग्रूव, इस ग्रूव को हम कहते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लेफ्ट सरफेस, हमारे पास है लेफ्ट सरफेस ऑफ हार्ट। अभी जो लेफ्ट सरफेस ऑफ हार्ट है वो मेनली बनाता है कौन सा, ये बनाता है लेफ्ट सरफेस ऑफ हार्ट मेनली फॉर्म बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस डायग्राम के अंदर देखें, ये हमें नज़र आ रहा है पोस्टीरियर व्यू से नज़र आ रहा है हमें राइट लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये हमारे पास है इन्फीरियर सरफेस ऑफ हार्ट, क्योंकि ये जो सरफेस है ना ये बिल्कुल डायफ्राम के ऊपर पड़ी होती है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं इन्फीरियर सरफेस ऑफ हार्ट। अभी जो इन्फीरियर सरफेस ऑफ हार्ट है वो टू थर्ड, जो इन्फीरियर सरफेस है वो टू थर्ड फॉर्म बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये टू थर्ड बना रहा है इन्फीरियर सरफेस। उसके बाद वन थर्ड फॉर्म बाय राइट वेंट्रिकल, वन थर्ड फॉर्म बाय राइट वेंट्रिकल। अब ये जो इन दोनों के दरमियान में ना लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में ग्रूव है, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है लेफ्ट सरफेस, जो लेफ्ट सरफेस है हार्ट की वो बना रहे जी लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट सरफेस है हार्ट की। इस साइड से हम देखेंगे तो हार्ट की लेफ्ट सरफेस है वो हम लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है हार्ट की लेफ्ट सरफेस को। ये हमारे पास था जी तमाम के तमाम फीचर्स ऑफ हार्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। शुक्रिया।